हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कई लोग ज्वाइन हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा उस पे आप अपना फीडबैक दीजिए। तीन वर्ड में आप ये बताइए कि लास्ट क्लास में तीन बड़ी चीज़ें आपने क्या सीखी हैं। जो जो लोग ज्वाइन हैं और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जब तक आप बताइए लास्ट क्लास में तीन बड़ी बातें आपने क्या सीखी। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सी सेट का फ्री कोर्स चल रहा है 6 डेज के लिए, जिसमें हम सी सेट का टॉपिक कवर कर रहे हैं जो वेरियस एग्ज़ाम में ओवरलैप हो रहा है। और 6 डेज के बाद अगर आपको इस क्लास को कंटिन्यू करना है तो आप इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, जब्बार शेख वालेकुम अस्सलाम, तैयबा वालेकुम अस्सलाम, सना वालेकुम अस्सलाम, सारे लोग जो सलाम कर रहे हैं सबके लिए वालेकुम अस्सलाम। क्लास जो है 11 से स्टार्ट होती है, तो हम 11 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास हमारा परसेंटेज का था और परसेंटेज में हमने लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था। तो परसेंटेज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, टाइम हो गया है, हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको हम अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आई एम फैसल महबूद एंड आई एम सी सेट मेंटर एट दिस चैनल। तो आपका ये जो कोर्स चल रहा है, ये फ्री कोर्स है आपके लिए। आप अपने फ्रेंड्स को इसको बता सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस चैनल पर। और हम अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमारा परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज ये होता था कि परसेंटम से बना हुआ था, और उसमें हमने ये देखा कि परसेंटेज निकालने के लिए ये ज़रूरी होता था कि हम मल्टीप्लिकेशन सीखें और उसके हमने डिफरेंट तरीके सीखें और परसेंटेज निकालने के और भी तरीके हमने सीखे। ठीक है, आज हम उसके अगले टॉपिक पर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग एक बार क्लियर कर दें कि कमेंट बॉक्स में कि क्या सारी चीज़ सेट हैं, आवाज़ जा रही है, प्रॉपर चीज़ें हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे आने से पहले कुछ बेसिक डिफिनेशन जिनको हम देखेंगे। पहला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। तो जैसा कि आप लोगों को ये मालूम भी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस, अगर कोई सपोज एक सेलर है,
कोई एक सेलर है, वो कोई कोई भी थिंग को बनवाता है या वो कहीं से परचेस करता है, तो उसको जितना अमाउंट देना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। मीन्स कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पर सेलर को उतना इन्वेस्ट करना होता है। या फिर आप एक बात कीजिए एक फार्मर की, तो वो अपने लैंड में जब कोई एग्रीकल्चर करता है तो उसको जितना इन्वेस्ट करना होता है पूरे ईयर में उस लैंड पे, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, वो अमाउंट है जो जिस पे जितना इन्वेस्ट करके हम किसी थिंग को या किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा वो बेसिक थिंग है जिस जितना हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है किसी भी थिंग या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। अब उसके बाद अगर हमने प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्ट प्राइस CP है, सपोज़ वो 100 आ गई, तो क्या अगर हम इसको सेल करने जाएंगे तो क्या हम चाहेंगे कि 100 पर ही सेल हो जाए? नहीं, हम इस पे क्या करेंगे कि एक मार्क प्राइस करेंगे और इसको हम कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ज़्यादा पर सेल करेंगे। ठीक है, तो वो प्राइस जिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मीन्स अगर जैसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 थी, तो सेलर चाहेगा कि ये 110 पे बिक जाए। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 110 की बजाय ये 90 पर बिके, जैसा कि अभी आप करंट इश्यूज में आप देख रहे थे, क्योंकि आप सीसैट की तैयारी कर रहे हैं। जो फार्मर का जो आंदोलन था वो इसलिए था क्योंकि वो MSP मांग रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये हो रहा था कि वो लैंड में जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनकी उनकी जो फसल है उसको एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए कि इतने अमाउंट पर ये बिकेगी ही बिकेगी, उससे ज़्यादा पर भी बिक सकती है। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी ने टोमेटो अपने उसमें लैंड में टोमेटो की खेती की। ठीक है, अब टोमेटो की खेती की, अगर टोमेटो उसने तोड़ लिया, तो अगर वो 10 दिन टोमेटो रखेगा तो टोमेटो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको सेल कर दे। अब मान लीजिए पहले दिन गया, उसको पूरी कॉस्ट आई थी 100 रुपये, लेकिन उस वो सेल करने गया मार्केट में, और मार्केट में उसको किसी ने ख़रीदा ही नहीं। उससे जितने भी लोग ख़रीदने वाले थे वहाँ पर, जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हम नहीं ख़रीदेंगे, और ये 100 रुपये में बेचने के लिए खड़ा था, सॉरी 110 में बेचने के लिए खड़ा था, ये बिका ही नहीं। 3 4 रोज़ हुए, उसके बाद क्या हुआ कि इसके टोमेटो या टमाटर जो हैं वो ख़राब होने लगे। तो अब इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम 90 में दे दोगे तो हम इसको ले लेंगे। तो अब ये फार्मर क्या करेगा, इसको सेल कर देगा ना, फार्मर सेल करेगा। तो फार्मर सेल करेगा तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, लेस देन कॉस्ट प्राइस हो गई, 90 पर उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज़रूरी नहीं होती है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही हो, वो कम भी हो सकती है। आपका ये करंट इश्यूज का एक टॉपिक है कि MSP पर उन लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसीलिए बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ये तय करती थी कि आपका इतने में कोई भी फसल आपकी बिक जाएगी। अब अगर MSP हट जाएगा तो ये चीज़ नहीं रहेगी, ये जो बायर बैठे हुए हैं ये हर चीज़ को डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हुई। अब प्रॉफिट और गेन की बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गई, सेलिंग प्राइस अगर हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं या गेन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हमारी जो जो हम सेल कर रहे हैं, सपोज़ हमारा कोई एक प्रोडक्ट ए है, इसकी कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ थी और इसको हम सेल कर रहे हैं Y रुपीज़ पे, और वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स है, तब हमको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, जब सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें ये कह रहा है कि 1 दर्जन डायरीज को जो है कितने में खरीदा जाता है, 60 रुपीज़ में, और उसको सेल कितने में किया जाता है, 15 रुपीज़ पर पीस सेल किया जाता है। तो अब इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अब आप ये देखिए, क्योंकि 12 डायरीज को हम कितने में ख़रीद रहे हैं, 60 रुपीज़ में, तो
तो वन डायरी कितनी की हो जाएगी हमारी, 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, यानी 5 रुपीज़ की होगी। अब लेकिन क्योंकि हम पूरा एक डज़न बेच रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 15 रुपीज़ पर पीस बेच रहे हैं, तो वन डायरी को हम सेल कितने पर कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस वो 15 पे कर रहे हैं, तो 12 डायरीज़ को हम कितने पर करेंगे, 12 डायरीज़ को कितने पर करेंगे, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितने पर हमने इसको ख़रीदा था, वो 60 पर था, सेल कितने पर कर रहे हैं हम इसको, 180 पर, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 120 रुपीज़, यानी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का हो जाएगा, 120 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग, क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है ना सारे लोगों को, नहीं 75 नहीं आएगा तौसीफ, 75 नहीं आएगा, क्योंकि वन दर्जन की बात कर रहा है वो एक पीस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फरा, ठीक है ठीक है, मेवाती, ओके, आफरीन, ठीक है ठीक है, तौसीफ, वेरी गुड। ये तो एकदम सिंपल है, ये बेसिक बात है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप कर रहे हैं। अब अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस था अगर कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, जो हमने टोमेटो की एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पर अगर ये जो है सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, तब हमको क्या होगा कि लॉस होने लगेगा। मीन्स जितना हमने कॉस्ट किया होगा, कॉस्ट प्राइस लगाया होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में, अपना अमाउंट लगाया होगा, उससे कम पे बेचना पड़ेगा। जैसे हमने फार्मर की बात किया कि उसने टोमेटो की खेती करने में सपोज़ 100 रुपीज़ लगाया, 100 रुपये से ज़्यादा लगता है, हज़ारों में लगता है, लेकिन सपोज़ एक एग्जांपल लीजिए कि 100 रुपीज़ लगाया और उसको उसने 90 में बेचा, तो उसका 10 रुपये का लॉस हो रहा है, अपनी जेब से जा रहा है उसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो लॉस क्या होता है हमारा, CP माइनस SP, CP क्या है कॉस्ट प्राइस और SP क्या है हमारी सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या होता है, CP इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि कॉस्ट प्राइस हमारी 100 थी और सेलिंग प्राइस हमारी 90 हो गई, तो हमको कितने का लॉस हो रहा है, -10 रुपये का, या 10 रुपये का लॉस हो रहा है, या -10 का लॉस प्रॉफिट हो रहा है। -10 का मतलब हुआ कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि सपोज़ हम आपसे ये बोलें कि हमने 100 रुपये लगाया किसी एक प्रोडक्ट में, इसकी बात प्रॉफिट की पहले बात कर लेते हैं, जो हमने सीखा था कि हमने 100 रुपये लगाया और 100 रुपये लगाया किसी भी प्रोडक्ट में और हमने उसको सेल किया 120 पे, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, 200 लगाया और उसको हमने सेल किया 230 पर, तो कौन सा बिजनेस हमारा, बिजनेस वन है ये और ये बिजनेस टू है, किसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सिर्फ हम प्रॉफिट देखेंगे तो ये, हम ये देखिए कि इसमें हमको सेलिंग प्राइस क्या है 120, कॉस्ट प्राइस कितनी 100, तो हम ये कितने पर सेल कर रहे हैं, 20 रुपीज़ मोर पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पर कितने रुपए मोर पे सेल कर रहे हैं, 30 रुपये पे। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, 30 रुपये का। यहाँ पर कितने की प्रॉफिट हो रही है हमारी, 20 रुपये की। तो अब आप बताइए कि हम बिजनेस वन में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको कि बिजनेस टू में। बिजनेस वन में, इट्स जी जो है वो कह रहे हैं बिजनेस वन में करना चाहिए। आप सारे लोग बताइए किस बिजनेस में, बिजनेस वन में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या बिजनेस सेकंड में। सना, B1 बता रही हैं, और बताइए आप, B1 में, ठीक है, वेरी गुड। B1 में हम इसलिए करेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 100 रुपीज़ लगा रहे हैं या 200 लगा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है और यहाँ जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है ये अलग है। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 100 रुपये प्रॉफिट लगा रहे हैं, तो हमको 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस लगा रहे हैं, तो हमको 120 पर बिक रहा है, यानी 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक और 100 लगा देंगे तो फिर 20 हमको मिल जाएगा।
तो ये 20 + 20 कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 200 पे हमको 30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बिजनेस वन लगाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोई ऐसा अमाउंट होता जिसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके कंपेयर ना कर पाते, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता। अब वो कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए जो हमने कल परसेंटेज के बारे में बात किया था, परसेंटेज क्या कह रहा था कि हम पर सेटम की बात कर रहा था, मींस किसी भी क्वांटिटी को हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और एक पार्ट जो हो रहा था वो हमारा परसेंट हो रहा था। तो अगर परसेंटेज वाइज हम देखें कि कितने कितने सेट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने बॉक्सेस का हमको प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ की इन्वेस्ट करने पे, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अब जो हमने कल परसेंटेज को पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है। मीन्स यहाँ 200 पर लगाने पर, ये कोई एक 200 का बॉक्स था, कितने बॉक्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर 100 पर लगाने पर कितने बॉक्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जितने जिसके बॉक्सेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस हमारी 120 है, और हमको कितना, यानी हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट वाले में 20 का, कितने पर 100 पे, यानी एक बॉक्स कितने का हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे 20 / 100, यानी एक बॉक्स हमारा कितना का हो गया 0.2 का। यहां पर क्या हो रहा है कि 200 पे हमको 230 मिल रहा है, यानी 30 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 30 का प्रॉफिट हमको किस पे मिल रहा है, 200 पे। तो यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी आ जाएगा 0.15। अब आप बताइए कि 0.2 बड़ा है या 0.15, जाहिर सी बात है 0.2 बड़ा है, ठीक है। तो अब हम ये यहां से कह सकते हैं कि एक बॉक्स की वैल्यू कहां पर ज्यादा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में ज्यादा बॉक्सेस आ रहे हैं, 0.2 आ रहे हैं, सेकंड वाले में 0.15 आ रहा है। तो अब हम यहां से ये समझ रहे हैं कि परसेंटेज वाइज हम किसको प्रिफर करेंगे, फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो अब ये होता कैसे है, उसको अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जिसकी बेसिस पर हम निकाल रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, हमारा इनिशियल अमाउंट है, इनटू 100, ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा ना, यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। अब देखिए लॉस, परसेंटेज लॉस के बारे में बात करें, जो हमने यहाँ सीखा था परसेंटेज लॉस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आप ये देखिए कि इसमें हमको क्या हो रहा है, लॉस सेम वही कॉन्सेप्ट कि किस बॉक्स, कितने बॉक्सेस किस अमाउंट में ज़्यादा हैं। तो कॉस्ट लॉस होगा तो क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। मीन्स अगर लॉस हम निकालेंगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसलिए फार्मूले को चेंज करके अगर लॉस इधर लिख रहे हैं तो हम सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं कि कितना अमाउंट हमको मिल रहा है या लॉस हो रहा है हमारा, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो सी पी होता है। तो परसेंटेज लॉस क्या होगा हमारा, सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर है ना, ठीक है। अब थोड़ा से इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं हम। सबसे पहले 1/1, यहां तक हमको समझ में आ गया है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज लॉस क्या है, और परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस क्यों करते हैं, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपसे हम ये बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। ये टॉपिक जो है, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। आप उठा के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार आया है। मतलब आप 50 क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम में अगर आप प्रिफर करेंगे तो 50-100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये फेवरेट टॉपिक है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, टू आर्टिकल हैविंग द सेम सेलिंग प्राइस विद द गेन ऑफ x% एंड लॉस ऑफ x% ऑन द अदर, देन द देयर ओवर आर लॉस इज लॉस ऑफ x² / 100% या इसको हम लिख सकते हैं x/10²%। ये क्या क्या रहा है, इसको आप समझ लेते हैं। सपोज हमने एक सेलर है, उसके पास एक
प्रोडक्ट वन है और दूसरा प्रोडक्ट टू है, ठीक है। प्रोडक्ट वन की कॉस्ट प्राइस जो है एक्स है, प्रोडक्ट टू की कॉस्ट प्राइस वाई है। अब प्रोडक्ट वन को, सॉरी एक्स की जगह ए ले लीजिए क्योंकि एक्स ऊपर आपको लेना है, और इसको बी ले लीजिए। अब इसको एक्स परसेंट लॉस पे बेचा जाता है और इसको एक्स परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाता है, ठीक है। जहां पर यहां पर इसकी सेलिंग प्राइस आती है, और ए की सेलिंग प्राइस और बी की सेलिंग प्राइस सेम है, ओके। ए की सेलिंग प्राइस और बी की सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये पूछ रहा है कि हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन ये कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ये, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि दो दो प्रोडक्ट हैं, एक की कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी की कॉस्ट प्राइस बी है, ठीक है। अब ए को एक्स परसेंट लॉस पे बेचते हैं और बी को एक्स परसेंट प्रॉफिट पे बेचते हैं, जिसकी वजह से दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो जाती है, ठीक है। तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो इसका आंसर होता है कि लॉस होगा, एक्स बाई टेन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, वो हम ये देख लेते हैं कि देखिए हमारी, अगर हम कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करें तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, सी पी वन प्लस सी पी टू, मतलब ये पहले का कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा आ जाएगा सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, यही होगा कि नहीं, बोलिए। कॉस्ट प्राइस हमारी यही होगी, यही होगी ना, बोलिए सारे लोग, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, सेलिंग प्राइस पहले की कितनी होगी हमारी, ए पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, ए माइनस एक्स परसेंट ऑफ एक्स, एक्स परसेंट ऑफ ए कितना होगा, ए बाई हंड्रेड इंटू एक्स, यानी यहाँ ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई हंड्रेड, यही होगा ना। दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो ये कह रहा है बी प्लस एक्स परसेंट ऑफ बी, यानी हम इसमें क्या है एक्स परसेंट बढ़ा के लिख रहे हैं ना, एक्स परसेंट बढ़ा के सेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बी डिवाइडेड बाई हंड्रेड। तो यहाँ बी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स बाई हंड्रेड, इक्वेशन टू, यही होगा ना, होगा ना, ये यहाँ तक समझ में आया ना सबके। अब ये देखिए ये कह रहा है कि तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा एस पी वन प्लस एस पी टू, यही होगा ना। अब हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा इसको साइड में जगह बना लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, अब हम देखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, अगर माइनस में आएगा तो लॉस होगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा। वो क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, अगर ये क्या होगा कि प्लस आएगा तो हमारा प्रॉफिट है, माइनस आएगा तो लॉस है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, पहली की सेलिंग प्राइस और दूसरे की सेलिंग प्राइस दोनों को साथ में हम निकाल रहे हैं, पहले की सेलिंग प्राइस और दूसरे की सेलिंग प्राइस, पहले की सेलिंग प्राइस कितनी है, ये है, हम लिख लेते हैं ए वन माइनस एक्स बाई हंड्रेड प्लस बी वन प्लस एक्स बाई हंड्रेड, यही होगा। माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, ये है ए प्लस बी, ये लिख लेंगे, लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाई, दिख रहा है ना ये, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी इंटू हंड्रेड, राइट साइड पर होगा तो इधर लिख दे रहे हैं उसको, राइट साइड पर जगह नहीं बची हुई है, ये होगा, यही होगा ना, सारे लोग बोलिए, सारे लोग बोलिए। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए को अगर मल्टीप्लाई करें हम अंदर, कलर चेंज कर लेते हैं पिन का, अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड, यही होगा ना, बोलिए, ठीक है, प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड, यही होगा, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी
इंटू 100, यही हो जाएगा ना, बोलिए आप सारे लोग। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर a प्लस में है और ये a प्लस में है, और a प्लस भी यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से बोलिए, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, आप ये देखिए कि यहाँ बचेगा कितना, ऊपर हम साफ करके लिखते हैं, ठीक है, ऊपर हम थोड़ा से इसको हटा देते हैं, बस एक मिनट दीजिए, यहां तक में समझ में आ रहा है, सारे लोग रिस्पॉन्स करें, हाँ हाँ सबका वेलकम कीजिए आप लोग एक दूसरे का, और लेकिन यहां पे भी रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है, सिर्फ वेलकम ना करते रहिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हम फिर से लिख लेंगे इसको। हाँ, अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि हमारा ये बचेगा कितना, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये देखिए, अगर इसमें x बाई 100 और इसमें x बाई 100 कामन ले लेंगे तो आएगा कितना, x बाई 100 ऊपर बचा हमारा माइनस ए प्लस बी, यानी b माइनस ए बचा ना, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारा, a प्लस बी इंटू 100, यही हुआ ना, ये बोलिए ये क्या हो रहा है, ये हमारे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, यही होगा ना, बोलिए सारे लोग बोलिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज, कंडीशन वो जो क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, वहां से हमको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो अब हम वो रिलेशन निकाल लेते हैं, यहां पर इसके नीचे की जरूरत नहीं है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, यानी ये कह रहा है कि फर्स्ट की सेलिंग प्राइस और सेकंड की सेलिंग प्राइस सेम है, तो वहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, ये लिख सकते हैं ना आप, तो अब हम उसको लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, उसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, SP1 इज इक्वल टू SP2, SP1 कितना था, x%, हमने SP1 इसको लिया है लॉस वाले को, ठीक है, और SP2 इसको लिया है गेन वाले को, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, ऊपर जो है हमने उल्टा ले लिया है उसको, SP1 कितना हो जाए हुआ था हमारा लॉस वाले पर, तो वो कितना हो रहा था हमारा, A1 माइनस एक्स बाई 100, यही हो रहा था ना, इज इक्वल टू SP2 क्या था, B1 प्लस एक्स बाई 100, क्या यही हो रहा था कि नहीं, बोलिए आप, यही हो रहा था ना। अब यहां से देखिए कि ये क्या हो जाएगा, आप ये लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू बी प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। अब अगर इसको हम राइट साइड डालें और इसको लेफ्ट साइड डालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या ए को हम राइट साइड ला लें और इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, राइट साइड पर बी माइनस ए आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस कामन आ जाएगा, और ये देखिए बी एक्स डिवाइड बाई 100 आएगा तो माइनस में आएगा, यानी एक्स बाई 100 आप कामन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा कितना ए, क्योंकि माइनस कामन ले लिया है, प्लस बी, यही बचेगा। अब ये बताइए यहाँ से बी माइनस ए की वैल्यू माइनस एक्स बाई 100 ए प्लस बी यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, यानी इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x बाई 100 इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ ना, ऊपर कितना बचा हमारा, माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यही बचा ना, तो इसको ये माइनस, अब ये देखिए x की कोई भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो आप इसको ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x बाई 10 का होल स्क्वायर, यहाँ x बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या x स्क्वायर बाई 100 का, तो ये माइनस का मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना, तो अब ये देखिए, अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको अभी सीख लेना है, आपको अभी कर सीख लेना है, और आपको क्या करना है कि ये लॉस हो रहा है x बाई 10 का होल स्क्वायर, इसका लॉस होता है, ठीक है, यानी अगर एक एक हमारा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस कुछ चीज़ है
और दूसरे का प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कुछ है, उसको एक को एक्स परसेंट लॉस पे बेचते हैं, दूसरे को एक्स परसेंट प्रॉफिट पर बेचते हैं, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होती है, तो उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप ये लिखेंगे कि लॉस होगा एक्स बाई टेन का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको जितने परसेंट लॉस पर बेचना है इसको उतने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है, तब क्या ये कंडीशन है? अगर इसको एक्स परसेंट लॉस पर बेचा, इसको वाई परसेंट प्रॉफिट बेचा, तब ये वैल्यू नहीं निकलेगी, वो तब दूसरा फार्मूला बन जाएगा, उस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए, क्या आएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, सारे लोग बताइए, अकीबा, आसिम, सना, साबिर, इम्तियाज, जी न्यूज भी है हमारे में, तस्कीन, साकिब, सारे लोग जल्दी से बताएं। तौसीफ, रिपीट करने के लिए आप पीछे जाके लाइव को वो कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं ना, तो लाइव में आप पीछे हो जाएंगे और आप उसको कर सकते हैं। अगर हम यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज आप बताइएगा कितना है कि आप पीछे जाके उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सारे लोग बताएं जल्दी से, जहीर बताओ कितना आया आंसर, डी, सारे लोग, आफरीन का डी आया, और लोगों का, डी, अकीबा 1%, वेरी गुड, साकिब डी, ठीक है, डी ही आएगा, क्यों? आप ये देखिए, अब आपको ये इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपल याद रखना है कि हमको लॉस होता है अगर हम, ये क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, दो आइटम को सेम प्राइस पर सेल करता है, एक को वो 10% प्रॉफिट पर सेल करता है, दूसरे को 10% लॉस पर सेल करता है, तो अब आपको ये एग्ज़ाम में जाके इसको ड्राइव नहीं करने लगना है, आपको ये सिंपल याद करना है माइनस एक्स बाई टेन का होल स्क्वायर इतना का लॉस होता है ना, तो माइनस होता है या तो, यानी लॉस लिख दिया तो इतने का लॉस होगा। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा एक्स की वैल्यू कितना है, 10% डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर, यानी कितने का होगा, 1% का लॉस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा, सारे लोगों का आ गया ना, सारे लोगों का आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब ये देखिए, इसको हमने आपको प्रॉफिट और लॉस जब बता रहे थे तभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बता दिया है। अच्छा देखिए, प्रॉफिट को आप कैसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लिख सकते हैं ना, उसी तरह लॉस को क्या लिख सकते हैं हम, सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, यही होगा ना। ठीक है, अच्छा अभी इस पे कुछ केसेस और हम देख लेते हैं जो इसमें हमने नोट नहीं करवाया है, तो ऐसा करते हैं कि आपको जो है इस पे हम बताते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, अगर हम ये कहें, अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप का हो तब क्या होगा कि एक एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी कोई कॉस्ट प्राइस है, एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, इसके बारे में हम केस दिख चुके हैं। अब कोई इसकी कोई कॉस्ट प्राइस है, सपोज एक्स है, अब जो सेलर होता है इस पे जो इसका मार्क प्राइस करता है वो क्या करता है, या इसका कॉस्ट प्राइस जो है ए है, एक्स परसेंट इंक्रीज करके लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एक्स डिवाइड बाई 100। उसके बाद वो क्या करता है कि आप जाते हैं उसके पास, आप ये कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, आप गए वहाँ पर क्योंकि आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया प्रॉफिट लॉस, और आपने उसको, आपको ये लगा कि ये जो है पिछले, ये जो है इससे हमको प्रॉफिट लेना है और इसका लॉस करवाना है, आपने ये सोचा, तो आपने क्या किया, उसने 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 क्या किया हुआ था कि एक्स परसेंट प्रॉफिट करके लिखा हुआ था, तो आपने कहा ऐसा है तुम एक्स परसेंट प्रॉफिट करके लिखे हुए हो, तुम अब हमको एक्स परसेंट डिस्काउंट दे दो और हमको जो ये जो सेलिंग प्राइस होगी इस पे दे दो। तो अब यहाँ पर जो सेलर है उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताइए जल्दी बताइए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा,
तहसीन, बताइए इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जल्दी बताइए, यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये अब इसको हम देखते हैं कि आप ये देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई चीज़ 100 की है, अगर आपने 100 को 10% इंक्रीज करके लिखा तो 110 हो जाएगी। अब इसमें 10% अगर आपने डिस्काउंट दिया तो ये कितना होगा, 11 माइनस होगा, तो 11 माइनस हो जाएगा तो ये 99 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो गई, तो ये क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर होता दूसरा लॉस होता। तो एक हम जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे और उससे हम ये देखेंगे कि हमको कितने परसेंट का जनरली लॉस होता है, ठीक है? तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है? तो अब ये देखिए कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इसका एक्स परसेंट, अगर ये मान लो हमारा ए वन है, ए वन क्या हुआ, एक्स परसेंट इंक्रीज करके लिखने पर ए वन आया, तो ए वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए एक्स डिवाइड बाई 100। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए वन माइनस एक्स परसेंट ऑफ ए वन, यानी ए एक्स वन डिवाइडेड बाई 100। यही होगी ना, बोलिए, यही होगा ना? तो अब ये देखिए, ए वन अगर आप इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 100, ठीक है? ए वन की वैल्यू आपने कितना निकाला था, ए वन की वैल्यू यहाँ पर ए प्लस ए एक्स डिवाइड बाई 100 निकाला था, तो अगर उसमें ए कॉमन आप ले लेते तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100। यही होगा ना, बोलिए, ये आपका सेलिंग प्राइस आया, यही होगा ना, बोलिए आप, यही होगा, ठीक है? अब ये देखिए, आपका परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप बात करें तो वो क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इसके बारे में बात करें तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होगा ना? अब देखिए, सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, ये है, यही हो रही है ना, सेलिंग प्राइस यही है ना? अगर इसको आप देखिए, ये क्या है, 1 प्लस x बाई 100, यह है 1 माइनस x बाई 100। तो अगर इसको स्मॉल ए मान लीजिए, स्मॉल बी, इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो अगर ए कहीं पर लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट इसको आप ये लिख सकते थे, इसको आप ये लिख सकते थे, ये क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा ए 1 माइनस x स्क्वायर बाई 100, यही होगा ना, बोलिए। तो अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ए 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, ए थी, माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, ए इंटू 100, यही होगी ना, बोलिए, जल्दी बोलिए सारे लोग, यही होगा ना? तो अब ये देखिए कि अगर हम इसको ऊपर वाला साफ कर देते हैं तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना, यहां तक सारे लोग क्लियर हो रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ये लेक्चर क्लियर ना हो जाए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस, हमको ये करना है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं यहां से ऊपर ले जाके। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 माइनस, अच्छा ये देखिए, ये एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर आएगा, वहां एक्स ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी था ना, तो ये एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो ये एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर था, ठीक है? माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, यही होगा। अब ये देखिए, 100 ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये बचा कितना हमारा, माइनस ए एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, यही बचा ना, तो ए कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये देखिए, इसको आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, यानी 100
इंटू 100 और ऊपर भी एक 100 है ना 100, तो एक 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाई 100, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई 10 का होल स्क्वायर, माइनस आ रहा है यानी कितने का हमको लॉस होगा ये। तो इसमें भी सेम क्वांटिटी आ रही है, ये केस जो हमने निकाला कि एक कॉस्ट प्राइस थी उसमें पी परसेंट इंक्रीज किया और पी परसेंट डिक्रीज कर दिया, तो हमको कितने कितने की चीज़ वो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमको लॉस होगा एक्स बाई 100, एक्स बाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है सर लोग, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब आप ये देखिए कि कोई सपोज कोई एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का था, अब उसमें हमने क्या किया 20% इंक्रीज करके लिखा, तो वो 120 का हो गया। अब इसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 20% कितना होगा 96 आ जाएगा, 24 होगा तो 96 हो जाएगा, यानी 4 का लॉस होगा ना। अब 4 कितना होता है 100 का, 4%। अगर आप डायरेक्ट भी देखते हैं कि 20% इंक्रीज कर रहा है और 20% डिक्रीज कर रहा है, तो एक्स बाई 10 का होल स्क्वायर अगर आप करते तो एक्स की वैल्यू कितना रखते हैं 20 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी 2% का यहाँ पर कितना आ जाता, 2 का स्क्वायर यानी 4 का परसेंट का लॉस हो जाता, ठीक है लॉस हो जाता ना, एसके सिंगापुर लॉस होता, ठीक है अकीबा समझ में आ रहा है ना, तौसीफ आसिम आफरीन, नूरीन समझ में आ रहा है ना सबको, रिस्पांस कीजिए आप लोग। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारे लोग रिस्पांस कीजिए, यहां तक में किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, जल्दी से पूछिए। ठीक है ओके तब आगे बढ़ते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए, कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम 50% जिसकी कॉस्ट प्राइस पे हम 50% इंक्रीज करके मार्केट प्राइस लिखते हैं, फिर एक पर्सन आता है जो डिस्काउंट मांगता है और हमने 50% का हम डिस्काउंट कर देते हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होगा जल्दी से बताइए। 50% इंक्रीज करते हैं और 50% डिक्रीज कर देते हैं, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा जल्दी से बताइए। 50% करते हैं तो 50 डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 25% का हमको लॉस, ठीक है। ओके अब आप हम देखिए, ठीक है 1% का कहां से आ जाएगा उस्मान साहब, 25% का लॉस होगा ना हमको, लॉस तो होगा, कितने परसेंट का होगा? तस्कीन आप सुनिए, हमको ये देखिए, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि 50% इंक्रीज कर रहे हैं 50% डिक्रीज कर दे रहे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट गलत है। आप ये देखिए कि अगर कोई नंबर था, आप इसको आपको फिर से बता दे रहे हैं कि 100 था, 100 का 10% इंक्रीज किया आपने, 100 का 10% कितना होता है बताइए, 10 होता है, तो ये कितना हो गया 110। अब इसमें 10% डिक्रीज किया आपने, तो आप ये बताइए 110 का 10% कितना होता है -11, तो ये 11 माइनस करेंगे तो ये 99 होगा ना, तो 10% इंक्रीज करके 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो 100 नहीं आ रहा है, 99 आ जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि देखिए, छोटे नंबर का हमने 10% लिया, अब बड़े नंबर का 10% माइनस किया, तो बड़े नंबर का 10% ज्यादा होगा ना, तो इस वजह से लॉस होता है ऑलवेज, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होती है ना। अब ये देखिए, अगर इसको आप डिवाइड करिए तो आप लिख सकते हैं एस पी डिवाइडेड बाई सी पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी यानी 1 लिख सकते हैं इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं।
अब ये देखिए, अगर आपको अभी ये पूछ रहा हो कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं या इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बता रहा हो कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस पूछ ले, या परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया और सेलिंग प्राइस पूछ ले, तो आपको यहाँ सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी तो वो आप निकालें, तो 100 डिवाइड हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस माइनस 1। तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, यही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू कॉस्ट प्राइस, ऐसा लिख सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमने इधर भेज दिया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को इधर रोक लें और इसको सबको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा हमारा कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर इसका एलसीएम लेते तो ऊपर 100 आ जाता ना, तो अगर इसका एलसीएम लेते प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइड बाई 100 आता है ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 आ जाएगा। ये 100 ऊपर आ जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस को अलग कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, यही आएगा ना, बोलिए यही आएगा। तो हमारी, अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, अगर हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ तक में सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको ये परसेंटेज लॉस के बारे में बात करता, तो आप ये देखिए कि परसेंटेज लॉस कितना होता हमारा, परसेंटेज लॉस हमारा होता, हमारा लॉस लॉस कितना होता है हमारा, सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। अगर इसको हम सॉल्व करते तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता हमारा, 1 माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, यही होता। अब ये देखिए, यहाँ से अगर आप 100 को इधर ले आते तो परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी। तो यहाँ से अगर एस पी डिवाइड बाई सी पी को राइट साइड ले जाते तो हो जाता है एस पी डिवाइड बाई सी पी इज इक्वल टू परसेंटेज, या 1 पहले लिख लेते, 1 प्लस परसेंटेज लॉस डिवाइड बाई 100, यही आता ना। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाती है आपकी, सेलिंग प्राइस आ जाती है आपकी 1 प्लस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही होता ना। यानी आपको अगर लॉस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो आप ये कर लेते, ठीक है। अब दूसरा क्या होता कि अगर आप कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपको करना होता तो यहाँ पर ये देखिए 100, यहाँ पर एलसीएम आ जाता तो यहाँ पर 100 आ जाता प्लस लॉस होता, तो अगर आप 100 को ऊपर भेज देते तो ये हो जाता सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लॉस परसेंटेज, यही आता ना, बोलिए। तो अगर आपको लॉस वाले कॉन्सेप्ट में परसेंटेज लॉस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिए हो तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो परसेंटेज लॉस दिया हो तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। यहाँ तक में क्लियर हुआ ना सबके, सबको क्लियर हो गया ना, बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। यासीन क्लियर हुआ, अकीबा, कासिम, शेख, साबिर, आफरीन, नौरीन, अंकित, सारे लोग बताएं जल्दी से, क्लियर हुआ ना, ओके। तो अब आप अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं जल्दी से, अब देखिए एस पी इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, इसको एक साथ हमने लिख दिया है, एस पी इज इक्वल टू हो सकता है हमारा 100 प्लस परसेंटेज गेन या प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस वाले का क्या हम निकाल सकते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस,
उसी तरह सेलिंग प्राइस दोनों का, ये जो हमने दो पुराने जो फार्मूले निकाले हैं दोनों में सेम आ रहा है एक्चुअली। तो अब आप ये देखिए कि आपको करना क्या है, एक फार्मूला सिर्फ याद करना है, यहाँ पर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, मीन्स अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो इसको प्लस में लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे। सेम एस पी इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो ये एस पी इज इक्वल, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए इससे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला था ना आपने, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है ना कि सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो इसको सी पी कर लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100, या तो परसेंटेज प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस होगा, अगर यहाँ पर लॉस हो रहा होगा तो यहाँ माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर हो रहा है ना सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? ओके फैसल खान, आफरीन, बीके विंग, बीके विंग आपको क्लियर हो रहा है? ओके ठीक है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, ये क्वेश्चन है आंसर कीजिए। बाय सेलिंग ऑफ वॉच फॉर 495 अ शॉपकीपर इनकर अ लॉस ऑफ 10%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर, जल्दी बताइए कितना होगा आंसर, कितना होगा जल्दी बताइए। जहीर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या लिखा था हमने, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो आप ये लिख लीजिए सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, वरना आप वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, अगर याद नहीं है फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, परसेंटेज यही होता है ना, इनटू क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस है तो डायरेक्ट अब यहाँ पर आप माइनस में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू कितनी लिखेंगे, कितने परसेंट लॉस पे है, 10% पे, तो 10% लॉस पे है इंटू सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, 495, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 495, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 9 से इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, 9 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 9 5 45, फिर कितना बचा, 5 बचा, 4 बचा, 9 5 45, यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 550 रही होगी ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है साबिर, वेरी गुड वेरी गुड। स्वैप टेक्निकल क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, बताइए फरा, हाँ 550 वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर कितना आएगा, आंसर बताइए एबीसीडी क्या आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, ठीक है तैयबा सही है सही है, इसका ऑप्शन कितना आ रहा है आपका जल्दी बताइए, हाँ सही है 550। ओके इसका देखिए आप यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग, आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या निकाला था फार्मूला हमने, अभी देखिए क्या था फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला फार्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये था, तो आप इसको निकाल लीजिए, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही हो जाएगा, तो 100 इंटू परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 150, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150, ठीक है। तो ये डबल ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, 12 15 का कितना होगा, 12 15 का 180 होगा कि नहीं, तो हमारे कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सॉरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 180, ठीक है, सारे
साबिर सही है, तैयबा, सना कौसर, और आपने अपना नाम बताया, देखिए हम भूल गए, जवेरिया सही है, सारे लोग सही। ये 189 किसका आ रहा है भाई? 189 नहीं होगा, टाइपिंग इरर है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन जो है बताइए आप इसको। ये यूपीएससी सी सैट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कितना आया है आंसर। कितना आ रहा है बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए। ये क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग 144 बाइसाइकिल जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसाइकिल, हिज परसेंटेज लॉस इज कितना होगा? ए कितने लोगों का आ रहा है? ए आंसर सही है, वेरी गुड, ए आंसर सही होगा सरफराज, ए आंसर ही सही होगा। देखिए अब ये देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, ये क्या दे रहा है कि हमारी ऑन सेलिंग ऑफ 144 बाइसिकल जॉन लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ द 6 बाइसिकल, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना दे रहा है? लॉस यही होगा। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल, यही कह रहा है ना, बाइसिकल माइनस 144 बाई सेलिंग प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल इज इक्वल टू क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल इज माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल, अगर ये करता है तो उसको लॉस होता है, कितने का लॉस होता है? ये क्या कह रहा है, 6 बाइसिकल का सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है बोलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइसिकल। ठीक है, अब यहाँ से अगर सेलिंग इसको इधर ले आ लेंगे तो, या इसको इधर लेते जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 बाइसिकल इज इक्वल टू 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 150 सेलिंग प्राइस ऑफ 150 बाइसिकल, यही होगा ना। तो यहाँ से हमको क्या होगा, कितने का लॉस होगा, तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होगा ना, बोलिए यही होगा ना। अब देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आया है, 144 सी पी इज इक्वल टू 150 एस पी, तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 144 डिवाइडेड बाई 150 सी पी, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सी पी की वैल्यू एस पी की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा सी पी माइनस 144 डिवाइडेड बाई 150 सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, यही होगा ना। अब ये देखिए सी पी कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा सी पी, यहाँ कॉमन आ जाएगा दोनों में, नीचे सी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा हमारा, 150 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। तो अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये देखिए 6 को अगर ये करें 3 से काटें तो 2 जाएगा और ये 5 जा, ठीक है 5 जा होगा वो, ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 जा, ये 5 जा होगा, अब 5 2 जा, यानी ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी हमको कितने का लॉस हो रहा होगा, ये हमने सी पी माइनस एस पी किया है ना, यानी लॉस का कॉन्सेप्ट लगाया है, यानी 4% का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ऐसे निकालना है तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि 6 बाइसिकल का लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग ऑफ 6 144 बाइसिकल, यानी हमारी कितनी बाइसिकल, 6 प्लस 144 कितना रहा होगा, 150 बाइसिकल की अगर होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता कि हमारी कॉस्ट प्राइस वो होती है, कॉस्ट प्राइस पे ही नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो 150 बाइसिकल पर 6 का लॉस हो रहा है,
तो 150 का 6 कितना परसेंट होता है? 4% होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते थे, जो आपने कल सीखा है हमसे परसेंटेज उसका अगर आप लगाते इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखिए ये केस है, 22 कोई एक आर्टिकल है या एक थिंग है, उसको हम ए रुपए प्रॉफिट पर बेचते हैं, दूसरे को बी रुपए लॉस पर बेचते हैं। ये कह रहा है ना, बाय सेलिंग ऑफ आर्टिकल ए फॉर ए परसेंट सम लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ बी देन द गेन इक्वल टू द लॉस्ट अमाउंट, ठीक है, देन कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है कि इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस थी, एक को हमने क्या किया कि बी रुपए लॉस पर बेचा, एक को क्या किया हमने बी रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, आप खुद सोचिए हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अगर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है तो जितना हमने ऊपर बेचा है जितना नीचे बेचा है दोनों को मिक्स करके ज़ीरो हो रहा है। मतलब अगर जैसे मान लो ये एक्स रुपए की थी और ऊपर हमने मान लो 10 रुपए प्रॉफिट पर बेचा और इसको 10 रुपए लॉस पर बेचा या अलग अलग बेचा, तो इस पर क्या हो रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तभी तो हमारा जो अमाउंट निकलेगा, डिवाइड बाई टू कर देंगे तो हमारा लॉस निकल वो निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। नूर अहमद ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन ही चल रहा है। ओके ओके, तो ए को हमने क्या किया, एक आर्टिकल को अगर ए रुपए पर हमने लॉस पे बेचा है, दूसरे को ए परसेंट ए पर गेन पर बेचा, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ए प्लस बी डिवाइड बाई टू होता है। इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है बाई सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर 50 रुपीज सम लॉस इज द इनकर बाई सेलिंग इट 100 रुपीज देन इट गेन इक्वल टू द लॉस। जितना हमको गेन हुआ था उतना ही लॉस हो गया, तो जितना गेन हुआ उतना लॉस हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 2 times CP आ जाएगा ना। इसका इसका जितना गेन हुआ इसका इतना लॉस हुआ दोनों सेम हुआ, तो जितना हम हमारा 2 times CP आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना। फिर से हम बताते हैं कि CP था उस पर 100 रुपये अगर हमने ऐड करके लिखा तो ये हो जाएगा CP प्लस X, और हमने X% लॉस करके लिखा तो ये हो जाएगा CP माइनस X ना। अब ये कह रहा इसका अमाउंट दिया हो कि ये कितना है, ये दे रहा है कि ये 100 रुपये है और इसकी वैल्यू दे रहा है कि ये 50 रुपये है। अब तुमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब तुम ये देखो इन दोनों को ऐड करते तो क्या होता, CP प्लस X प्लस CP माइनस X, तो यहाँ पर क्या जा रहा है 2 CP, अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये CP आ जाएगा ना। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू कितनी है 50, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू CP, यानी हमारा कितना आ जाएगा 75। सी ऑप्शन होगा ना, सारे लोग बताइए। सिंगापुर ने बहुत अच्छी बात कही है, SK सिंगापुर ने, कि अननेसेसरी चैट ना कीजिए आप, ठीक है। स्वैप टेक्निकल ने भी कहा कि ओके सिंगापुर, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग सारे लोग फॉलो करिए, देखिए और लोग ही कुछ लोग हैं वो जो अननेसेसरी बात कर रहे हैं, वरना देखिए सारे बच्चे जो हैं सिंसियरली आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल देन परसेंटेज गेन और लॉस इज गिवन बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100%, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये तो कह रहा है। तो अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हमें लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। अब ये देखिए अगर SP इज ग्रेटर देन CP होगा तो प्रॉफिट होगा, SP इज लेस देन CP होगा तो लॉस होगा, वो हम बाद में लिख लेंगे। SP कितना है अगर यहाँ से आप ये देखिए कि तो आप SP इज इक्वल टू यहाँ पर ये लिख सकते हैं B बाई ए CP, ये लिख सकते हैं।
तो आप ये लिख दीजिए बी बाई ए सी पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ से सी पी अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, सी पी सी पी कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा ये आया बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, एलसीएम आ जाएगा ना, यहाँ बी माइनस ए डिवाइड बाई ए इंटू 100, यही आएगा ना। ये हमारा क्या निकल के आया, इतने का हमको प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, अब ये बताए कब लॉस होगा हमको, जब b इज ग्रेटर देन a होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। जब b इज लेस देन a हो जाएगा तो हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा ना। समझ में आया ना सारे लोगों के, सारे लोगों को समझ में आया। जमीर समझ में आया, शोएब समझ में आया आपके, सिंगापुर आपके समझ में आया, अकीबा समद, सारे लोग बताइए जल्दी से, समझ में आया ना। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, ओरल होना चाहिए ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी 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 बताइए। अब देखिए अगर ये सब जो हम कर रहे हैं, ये जो हम वर्क कर रहे हैं ना, ये अभी हम कर लें बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, तो ये बेहतर है। अगर हम एग्जाम में जाके करेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा। आप ये देखिए, अगर आपने बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 अगर ना सीखा होता तो ये क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए थोड़ा टाइम लगता एग्जाम में। ये कह रहा था एस पी ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द सी पी ऑफ द 20 आर्टिकल, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। अभी बता दे रहा है कि लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी बी इज लेस देन ए है, तो लॉस होगा। क्या होगा आंसर, बोलिए जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, कितने का कितना आंसर आएगा। देखिए लॉस और परसेंटेज क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, बी यहाँ कितना है 20, ए कितना है हमारा 24, तो बी कितना हमने लिख दिया 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई ए कितना है हमारा 24, यही होगा ना, बोलिए जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, निकालिए निकालिए निकालिए, जल्दी निकालिए निकालिए, आंसर करिए आंसर करिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लॉस होगा ना, कितने का 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, यही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 टाइम, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा ये बताइए, अगर 1/6 करते थे किसी में तो कितना परसेंट आता था, 16.66 ना, 67, तो यही होगा ना, बी ऑप्शन सही होगा ना। ये 2/3 की मतलब क्या मतलब है, इसको 16.2/3 क्या है, 16 + 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.67, यही होता है ना। तो आप ये देखिए कि आपने निकाल रखा है कि 1/6 की वैल्यू कितनी आती है, को आप करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 16.67। तो ये देखिए यहाँ पर ये 1/6 ही कर रहे हैं ना, तो हमारा 16 होल 2/3 का लॉस होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। ओके, 16.67 ही होगा एक्चुअली। जो अगर किसी के पास ये है, ये क्वेश्चन जो है जनरली आता है, तो एक आध बुक में अगर ये गड़बड़ लिखा हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये होगा आंसर। अब देखिए ये कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज बी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल इज ए, ये कह रहा है ए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है बी, और बी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है ए, देन नेट प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बी बाई बी इंटू 100, ये होगा। समझ में आइए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है बी, और बी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है ए, यही कह रहा है ना, बोलिए यही कह रहा है ना। मीन्स अब ये देखिए, आपको ये देखना है कि यहाँ पर ए होगा और बी होगा, बी होगा ए होगा, ये दोनों ए बी आना चाहिए, तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो
अब यहाँ से देखिए आप कॉस्ट प्राइस क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बी बाई ए। सेलिंग प्राइस आप क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी। तो हमको परसेंटेज प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ये क्या हो जाएगा हमारा, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, यही होगा। सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, ए बाई बी। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, बी बाई ए डिवाइडेड बाई कॉस्ट बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, बी बाई ए इंटू 100, यही होगा ना। बोलिए अब ये देखिए ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा, ए बी, और ये ए और बी एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये हो जाएगा, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये बी बाई ए जो है, ये जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए ऊपर चला जाएगा और बी नीचे रहेगा, यानी हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए होगा, सॉरी ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी, ए ऊपर चला जाएगा, ए बाई बी होगा, ए बाई बी होगा इंटू 100, ठीक है। तो अब यहां से देखिए ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू 100। ये हमारा क्या आया, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अब ये बताइए कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होगी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ए इज लेस देन बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा यहाँ पर, यानी ए इज ग्रेटर देन बी के लिए प्रॉफिट होगा और ए इज लेस देन बी के लिए लॉस होगा, यही होगा ना। बोलिए हाँ, ये यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, ये देखिए फार्मूला में बी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा, टाइपिंग मिस्टेक है वो, कोई मसला नहीं उसका, ठीक है, यहाँ सही करने के लिए हम बैठे हुए हैं। यानी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू 100, इतना का प्रॉफिट और लॉस होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कितना का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना, चलिए बताइए। ये देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज 5, तो अगला ये होना चाहिए कि 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 होगा, यानी 10 और 5 है तो 5 और 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर है, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो नेट परसेंटेज गेन आर प्रॉफिट और लॉस क्या होगा हमारा, जल्दी बताइए क्या होता है, हमने क्या निकाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है हमारा, ए कितना है, ए आर्टिकल, यानी ए की वैल्यू 10 है ना, ए की वैल्यू 10 है, बाद वाला जो होता है वो बी होता है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर इंटू 100, यही होगा ना। बोलिए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, यानी ऊपर 75 आ जाएगा, नीचे 25, यानी 3 आ जाएगा, तो 300 हो जाएगा ना, यानी 300% का प्रॉफिट होगा, समझ में आया ना, 300% का प्रॉफिट होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट है ना, बोलिए जल्दी बोलिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके फरा राइट, उस्मान साहब राइट, अकीबा का भी सही आ रहा है, ज़मीर का भी सही है, सना का भी सही है, कौसर का भी सही है, सूफिया का भी सही है, स्वैब टेक्निकल का भी सही है, सारे लोगों को सही आ रहा है, नूर, तैयबा, साकिब, मुदस्सिर, साबिर, सिंगापुर, ज़मीर, सिंगापुर भाई आप अपना नाम लिख देते इस पे, तौसीफ सही है, ठीक है ठीक है, मकसूद वेरी गुड, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए जल्दी से। व्हेन द बैग इज सोल्ड इट 6% गेन 6%, इफ इट सोल्ड फॉर 10 रुपी 10 मोर देन गेन इज 8%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होगा। देखिए, ये कह रहा है कि एक बैग को सोल्ड करते हैं और हमको गेन कितना होता है, 6% का, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड फॉर 10 रुपीज मोर, 10 रुपए और बढ़ा के बेचते हैं तो इसको 8% का प्रॉफिट होने लगता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि हम किसी एक बैग को सोल्ड कर रहे थे सेलिंग प्राइस पर, तो इसको हमको 6% प्रॉफिट हो रहा था। अब हमने कॉस्ट प्राइस में कितना, 10 रुपए और बढ़ा दिया, तो ये जो सेलिंग प्राइस आई तब हमको कितने का प्रॉफिट होने लगा, 8% का। तो हमारी ये कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। अब अगर ये डायरेक्ट हम फार्मूला अगर ड्राइव कर लें तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो अब हम इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला अगर हम ड्राइव करेंगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब हम इसको डायरेक्ट याद करके एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि पहले कॉस्ट प्राइस CP थी और सेलिंग प्राइस SP1 था, ठीक है, सेलिंग प्राइस SP1 था। तो अब कॉस्ट प्राइस अगर हम CP था और सेलिंग प्राइस SP था, SP मान लीजिए, सेलिंग प्राइस SP था, तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा था, सपोज उसको परसेंटेज प्रॉफिट A का हो रहा था, परसेंटेज प्रॉफिट जो है A का हो रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। अब ये देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है परसेंटेज प्रॉफिट की, A, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लीजिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि अब सेलिंग प्राइस में अगर 1 रुपए अगर हम और ऐड कर दें तो हमको परसेंटेज प्रॉफिट कितना होने लगा, 20%। तो यानी अब ये देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, सेलिंग प्राइस में हम कितना ऐड कर दे रहे हैं, एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यही होगा ना, बोलिए, यही होगा ना। अब ये देखिए, इसको आप ये लिख सकते हैं, SP डिवाइडेड बाई CP माइनस CP डिवाइड बाई CP कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू ए आ रहा है। दूसरा ये देखिए, इसको आप क्या लिख सकते थे, इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं, वो लिख दे सकते थे SP डिवाइडेड बाई CP प्लस X डिवाइडेड बाई CP माइनस CP डिवाइड बाई CP कितना हुआ, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू बी। यही होगा ना, बोलिए बोलिए सारे लोग, बोलिए यही होगा ना। अगर ये हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, या माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड ये है तो ये हो जाएगा, देखिए SP डिवाइड बाई CP ये कैंसिल हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 2 - 1 कर रहा है ना, X डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, ये 100 को पहले ही इधर ले जा लीजिए और इधर भी ले जा लीजिए, यानी SP डिवाइड बाई CP -1 इज इक्वल टू A बाई 100, SP डिवाइड बाई CP प्लस X बाई CP -1 इज इक्वल टू B बाई 100। तो X बाई CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, B बाई 100 माइनस A बाई 100, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आपको क्या निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, x x बाई CP यहां पर बचेगा ना, x बाई CP इंटू 100, x बाई CP इंटू 100, x बाई CP इंटू 100 होगा ना, गलत कर दिया हमने, ये देखिए यहां पर x बाई CP बचेगा ना, दोनों को माइनस करेंगे, x बाई CP इंटू 100 बचेगा ना, इज इक्वल टू B बाई 100 माइनस A बाई 100, ये बचा, ये बचा ना। तो आप ये देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपने क्या लिखा है, x बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू, अब ये देखिए नीचे LCM 100 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, B माइनस A, है ना। अब आप CP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CP को उधर भेज दीजिए, 100 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा B माइनस A, B माइनस A नीचे डिवाइड हो जाएगा x के, इंटू 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू CP, यही होगा कि नहीं, बोलिए सारे लोग, बोलिए यही होगा ना, एक 100 कहीं माइनस 100,
ये 100 ही होगा, इधर 100 नहीं होगा, सॉरी हम बहुत गलत कर दिए यहाँ पर, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या किया है, ए बाई 100 कर लिया है और इसको बी बाई 100 कर लिया है, तो यहाँ पर एक्स बाई सी पी ही बचेगा ना, 100 नहीं बचेगा, तो यहाँ पर ये 100 ऊपर आ जाएगा, यानी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू 100 इज इक्वल टू सी पी, ये होगा। तो अगर अब हमसे ये पूछ रहा हो कि पहले प्राइस, पहले परसेंटेज हमारा था ए, ए परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, अब हमको बी परसेंट प्रॉफिट होने लगा एक्स बढ़ाने पर, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई बी माइनस इंटू 100, तो यानी एक्स हमारा ये सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जितना अमाउंट बढ़ाने पर वो हो रहा है एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू 100, यही होगा ना। एक्स कितना है, अमाउंट बढ़ाया, यहाँ पर कितना अमाउंट बढ़ा रहे हैं हम, 10 रुपये, तो अब आप ये देखिए 10 रुपये बढ़ा ले रहे हैं, और बी कितना है हमारा 8% और ए कितना है 6%, तो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, ये कितना हो जाएगा हमारा, हमारा फार्मूला क्या निकल के आया है, हमारा सी पी इज इक्वल टू कितना रुपये निकल के आया है बताइए, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई सॉरी क्या निकल के आया है हमारा, कितना रुपये निकल के आया है, एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू 100, तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट बढ़ाया जा रहा है, 10% मोर कर दिया जा रहा है, 10 डिवाइड बाई 8% माइनस 6%, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 500, ऑप्शन डी करेक्ट है कि नहीं है बोलिए। उस्मान साहब 400 नहीं 500 आएगा, साकिब ने सही बताया है। देखिए अगर ये साबिर ये कह रहा है कि कोई एक चीज़ है जिसकी कॉस्ट प्राइस कुछ थी, अभी हमको नहीं मालूम कॉस्ट प्राइस, अब हम उसको सेलिंग प्राइस किसी एक अमाउंट पर बेच रहे हैं जिसकी वजह से हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, अब हम इसमें सेलिंग प्राइस में 1 रुपये और ऐड कर दिए और न्यू सेलिंग प्राइस हमने बनाया, तब हमको 20% का प्रॉफिट होने लगा, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, उसका फार्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस का, वो फार्मूला हमने बताया कि x डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू 100, और ये कैसे आता है इसको हमने एक्सप्लेन पीछे किया है, ठीक है, ओके। ये देखिए अब इसको देखिए, यहां तक क्लियर हो गया ना, 500 सबका आ गया ना, देखिए व्हेन एन आर्टिकल is sold losses 8% and if it sold for x more then gain b% then cost price of an article is this, ये कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल था जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं किसी एक प्राइस पे, तो हमको क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मतलब ये एस पी पर हम कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ये था, इसमें हम कर रहे हैं तो हमको 8% का लॉस हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है हमको, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कम थी, अब हमने एसपी में क्या किया, 1 रुपये ऐड कर दिया तो न्यू एसपी बनी, तो हमको क्या होने लगा, एसपी वन में 20% का प्रॉफिट होने लगा। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका हमारा कॉस्ट प्राइस हमारी निकालने के लिए वो क्या होगी, एक्स डिवाइड बाई बी प्लस ए ए इंटू 100, ये होती है, इसको हम निकालते हैं कैसे निकलेगा ये, देखिए पहले क्या हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है यानी माइनस में आएगा, तो हमारा परसेंटेज लॉस यानी एसपी माइनस सीपी, पहले सेलिंग प्राइस था माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 इज इक्वल टू 8% का लॉस हो रहा है, यानी ए लिख दें, ए लिख सकते हैं ना यहां पर, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, नहीं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ये हो गया एसपी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस 1 इंटू 100, 100 को अगर राइट साइड पर भेज दें तो ए डिवाइड बाई 100 होगा ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गए। अब ये कह रहा है कि एसपी में हमने 1 रुपये ऐड कर दिया अमाउंट में, यानी जो सेलिंग प्राइस थी उसको हमने बढ़ा दिया कितना, एक्स, तो अब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, एसपी प्लस एक्स हो जाएगी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, तो अब हमको कितने का प्रॉफिट होने लगा, तो प्लस लिखेंगे बी, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाई सीपी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी पी माइनस 1 इंटू 100, या 100 को अगर राइट साइड भेज दें तो ये बी बाई 100 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम ये लिखें फ्रॉम
टू माइनस वन अगर हम करें तो क्या होगा, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन क्या होगा, देखिए राइट साइड पर एस पी डिवाइडेड बाई सी पी कैंसिल आउट हो जाएगा और वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना एक्स बाई सी पी बचेगा, बचेगा ना, और इधर कितना बचेगा हमारा बी बाई हंड्रेड, टू माइनस वन कर रहे हैं तो बी बाई हंड्रेड पहले ले रहे हैं इसलिए, और ये ए बाई माइनस ऑफ माइनस माइनस है ना ये माइनस ए बाई हंड्रेड, ए बाई हंड्रेड, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई सी पी इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई हंड्रेड, यही होगा। तो यहाँ से हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 100, इधर भेज दें कॉस्ट प्राइस को ऊपर भेज दें तो हो जाएगी x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू 100, जो हमने ये लिखा ऊपर लिख रखा है x डिवाइडेड बाई b प्लस a इंटू 100, ठीक है ठीक है। नूर समझ में आया, सारे लोग बताइए, रिस्पांस दीजिए, समझ में आया ना, समझ में आ गया सबको, अच्छा समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करिए इसका आंसर क्या होगा। जी फराज, साबिर, नूर, अकीबा, ज़मीर, सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आंसर कीजिए आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हेन अ सेट ऑफ बॉटल इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 3%, यानी ए है ये, ठीक है, अब इट सोल्ड 120 रुपीज मोर देन गेन 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉटल। तो अब डायरेक्ट या तो उसको निकालिए आप, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे x डिवाइडेड बाई b प्लस a इंटू 100, ये अगर आपको समझ में आ गया है फार्मूला तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x कितना है हमारा 120 इंक्रीज करने पर, b कितना था हमारा 5% प्लस 3% a था इंटू 100, यही होगा कि नहीं, सारे लोग बोलिए सारे लोग बोलिए सारे लोग बोलिए, आंसर करिए आंसर करिए आंसर करिए, तो ये जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 होगा ना, अच्छा डिवाइड करिए, 8 वन ज़ा 8 और ये 4 बचा तो 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1500 आया कि नहीं, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 1500, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये बाका 1500 आ रहा है, सना का आ रहा है, समरीन का आ रहा है, आफरीन सही है, अकीबा ठीक है, ऑप्शन बी साबिर सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक में समझ में आया कोई डाउट, फरा सही है, शोएब सही है, ओके। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है और लॉस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें समझिए, हर डिस्काउंट लॉस नहीं होता है, समझिए आप बात को, लॉस क्या होता है कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम पर बेचा जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का ये मतलब नहीं होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम ही होगा, तो लॉस और डिस्काउंट में कंफ्यूज मत कीजिएगा, मींस कोई चीज़ 100 रुपीज की थी, उस पर आपने मार्क प्राइस जो लिखा वो आपने 120 लिख दिया, अब हम आए हमने कहा कि इस पर कुछ डिस्काउंट कीजिए, आपने कहा ओके सर आप हमारे सर हैं, हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं, आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो आपने इसको 108 पर हमको सेल कर दिया, तब भी आप ये देखिए कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 20% का, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 8% का, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्काउंट देने के बाद लॉस में चले जाएं, प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमको 10% डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमको 20% चाहिए, तो 20% अगर हम डिस्काउंट लेते तो 20% डिस्काउंट लेते तो 120 का 20% कितना होगा 24 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो ये 96 पर होता तब आप लॉस में चले जाते,
तब आप कहते सर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इतना ना कर पाएंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट 10% किया है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 15%, हम 10% कर सकते हैं या 12% कर सकते हैं, आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है डिस्काउंट जो है, ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा जो है कॉस्ट प्राइस से कम कर दे सेलिंग प्राइस को। डिस्काउंट वो होता है जो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, वो सेलिंग प्राइस जनरली ये होता है कि वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सब सबको समझ में आ रहा है ना। तो अब ये देखिए सेलिंग प्राइस क्या हुई हमारी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितने भी हमने इस पे, मान लो ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी, इस पे हमने मार्क प्राइस लिखा, अब उस पे हमने डिस्काउंट दिया, कुछ अमाउंट का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। तो हमारी, हम ये लिख सकते हैं मार्क प्राइस प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये लिख सकते हैं। यानी डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि अगर हम ये कहें कि आर परसेंट का हम डिस्काउंट देते हैं, आर परसेंट का हम डिस्काउंट देते हैं, तो अब हमको प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट कितने का लॉस होगा। तो आप ये देखिए हमारी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, यही होगा ना। मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में अगर निकालें तो आर परसेंट का डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दे रहे हैं, तो हम यही लिखेंगे ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। मार्क प्राइस हमारे बेसिक होगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं मार्क प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस 1 हो जाएगा, माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, यही हो जाएगा ना। तो हमारा आर आर परसेंटेज है, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाई 100 कर दें, 100 को लेफ्ट साइड लाएं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस को लेफ्ट साइड पर लाएं और इसको राइट साइड पर लाएं, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अब ये देखिए एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस, यही होगा। अब मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो, अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखिए आप मार्क प्राइस को ऊपर लिख रहे हैं, 100 ऊपर चला जाएगा सेलिंग प्राइस के साथ और 100 माइनस आर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस आर इंटू सेलिंग प्राइस, यही होगा ना, बोलिए यही होगा ना। ओके, डिस्काउंट समझ में आया ना, डिस्काउंट समझ में आया, अगर फास्ट हुआ ठीक है, ठीक है। अकीबा रिस्पांस करो, समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया ना यहाँ से। तो ये देखिए एक फार्मूला तो ये है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस आर डिवाइड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस आर इंटू सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब ये देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होती है। सक्सेसिव डिस्काउंट ये होती है कि सपोज हमने अच्छा एक क्वेश्चन आप ये बताइए पहले कि आप एक मॉल में गए या किसी कोई कांटेक्ट वाला है आपकी किसी एक दुकान में आप गए, वहां पर ये लगा हुआ है 50% प्लस 50% ऑफ, तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो आपको 100% यानी फ्री में मिल रही है थिंग, इसका ये मतलब है। नूर अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पीछे जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन दोबारा करेंगे तो जिनको समझ में आ रहा है उनका लॉस होगा। आप क्या कर रहे हैं कि लाइव में पीछे मूव कर जाइए तो वो वहाँ से आपको चलने लगेगा, ठीक है। ये यूट्यूब का प्रॉफिट है, ठीक है। आप ये बताइए 50% प्लस 50% ऑफ कहीं मॉल में लिखा हुआ है तो क्या इसका ये मतलब होगा कि 100% ऑफ हो जाएगा, ऐसा लिखा भी रहता है, क्या लिखा रहता है, 25% प्लस 75% ऑफ, ऐसे लिखा रहता है। आप अक्सर मॉल में जाइए तो ऐसा लिखा रहता है,
तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि 100% होगा, इसका ये मतलब है कि जो भी थिंग होगी या जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें पहले 25% डिस्काउंट देंगे, तो जो अमाउंट आ जाएगा उसका 75% डिस्काउंट देंगे। इसका ये मतलब होगा कि पहले 50% डिस्काउंट देंगे, फिर जो अमाउंट आ जाएगा उसका 50% डिस्काउंट देंगे, ना कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, यानी जो मार्क प्राइस है हमारा उस पर डिस्काउंट देंगे हम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, कहीं पर ये लिखा हो कि 25% प्लस 75% ऑफ, दूसरी जगह लिखा हो 75% प्लस 25% ऑफ, दो दुकान है सेम प्रोडक्ट की, तो आप ये बताइए किस दुकान में आप जाना चाहेंगे, पहली शॉप में जाना चाहेंगे या सेकंड शॉप में, शॉप ए में जाना चाहेंगे या शॉप बी में? बताइए, जल्दी बताइए, किस शॉप में जाना चाहेंगे आप? किस शॉप में जाना चाहेंगे बताइए? ठीक है, अगर दोनों यानी मार्क प्राइस यहाँ पर जो रही होगी वहाँ, यहाँ पर भी मार्क प्राइस उतनी ही रही होगी। बी बोथ, उस्मान साहब कह रहे हैं बोथ, फरा कह रही हैं बी में जाएंगे, ज़मीर कह रहे हैं बी में जाएंगे, सोएब कह रहे हैं हम ए में जाएंगे, तो देखना है कि बोथ का मतलब ये होगा मेरे ख्याल से उस्मान साहब का कि किसी भी दुकान में हम जा चले जाएँ। अच्छा, नूर साहब कह रहे हैं पहले हम ए में जाएंगे फिर बी में जाएंगे, ठीक है। यासीन कह रहे हैं कि किसी भी शॉप में चले जाएंगे, वेरी गुड। आसिम कह रहे हैं ए में, सरफराज कह रहे हैं ए में, और उस ठीक है ठीक है ठीक है, कासिम कह रहे हैं बी में। अब देखते हैं किस में जाना है। सपोज़ मार्क प्राइस जो है लिखा हुआ है 100, तो पहली शॉप में हम गए तो उसने, हम उससे कहेंगे चलो 25% डिस्काउंट करो, 25% डिस्काउंट करेगा तो कितना आ जाएगा, 25% 100 का 25% कितना होगा, 25 डिस्काउंट हो जाएगा तो ये 75 आ जाएगा ना। अब तुम कहोगे चलिए आप 75% डिस्काउंट करिए, तो -75% डिस्काउंट करेगा, 75 का 75% कितना होगा, यानी 75% ऑफ 75 कितना होगा, 75 × 75 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56, और 25 डिवाइड बाई 100 है तो 56.26, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो कितना बचेगा, 75 − 56.25, यही बचेगा ना, बोलिए। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 57, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15, ये 14 बचेगा, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 में से यानी 18.5, यानी यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हमारी कितने की मिल रही होगी, 18.75 की, यही, ठीक है, ये इतने का सेलिंग प्राइस होगी, यानी इतना डिस्काउंट हो जाएगा ना, यानी ये 56.25 डिस्काउंट कर रहे हैं हम। अच्छा, दूसरे दुकान में हम गए तो 100 की चीज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 75% डिस्काउंट देंगे, 75% डिस्काउंट देंगे यानी -75 करेंगे तो ये 25 लिख जाएगा। अब 25% में 25 करेंगे, 25% का 25 कितना होगा, 25 × 25 × 100, तो जिसके लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर करना बताया था हमने, 2 × 3 यानी 6.25 आ जाएगा ये, तो 6.25 करेंगे, अगर 25 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 19 हो जाएगा, -0.25 करेंगे तो ये हो जाएगा 18.75। तो हमारा दोनों, देखिए सेलिंग प्राइस जो है दोनों जगह सेम होगी, यानी हम किसी में भी जा सकते हैं, जो कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया था, यानी अगर 25% प्लस 75% लिखा हुआ है या कहीं 75% प्लस 25% लिखा हुआ है तो वो सेम बात है, ठीक है। ये होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट, इसी के बहाने हम आपको समझा पाएँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, एक के बाद दूसरी डिस्काउंट हो। अच्छा, अगर ऐसा हो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हो वो R1 और R2, यहाँ तो अभी ये हमने निकाला था, तो अगर मार्क प्राइस उसकी जो है P हो और पहली R1 दे रहा हो और दूसरी R2 दे रहा हो, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो निकालने के लिए, देखिए पहला उस पर मार्क प्राइस कितना था P, अब हमने क्या किया, R1% डिस्काउंट दिया, R1%, तो P का R1% कितना होगा, P माइनस
पी आर डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा पी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर बाई 100। अब इस पे हम कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, R1 कर लो इसको, R1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम इस पे R2 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये अमाउंट माइनस इसका R2% तो यहाँ पर देखिए ये हमारे मार्क प्राइस हो गई। अब इसका जो है R2% ऑफ ये मान लीजिए इसको P1 है, ये ऑफ P1, तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। तो P1 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। तो ये P1 की वैल्यू आप रख दीजिए, P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये आर स्क्वायर जो लिखा है ये R2 होगा, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होगी वो ये होगी, जो हमारा इनिशियल मार्क प्राइस था, इंटू 1 माइनस R बाई 100 इंटू 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, देखिए इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि अगर 100 था तो हमने सबसे पहले सपोज 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद हमने 10% का डिस्काउंट दिया, तो आप ये देखिए 10% का डिस्काउंट दिया तो वो 90 हो गया। अब 90 में 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये 9 का डिस्काउंट होगा, यानी हमारा 81 हो जाएगा, यही होगा ना। 100 का था, 100 में हमने 10% का डिस्काउंट दिया तो उसकी मार्क प्राइस 90 हो गई। अब 90 का 10% डिस्काउंट दिया तो 90 का 10% कितना होगा, 9, तो 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, 19% हुआ, है ना। तो आप ये देखिए 19% कितना आ रहा है, पहले तो हमने 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद देखिए ये 9%, ये 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है हमारा, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 10, तो हम 100 का 10% डिस्काउंट दे रहे हैं माइनस 10 का 10%, यानी 1% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10% प्लस 10% कितना हो गया, 20% माइनस 1%, यानी हमारा 19% का डिस्काउंट हो रहा है। तो अब इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, अगर आपका हमने पहले R1% डिस्काउंट दिया फिर R2% डिस्काउंट दिया तो हमारा नेट डिस्काउंट कितना होगा, R1% प्लस R2% माइनस R2, ये है माइनस R1 R2 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये आप लिखिए हमारा कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, चलिए हम पूरा साफ कर देते हैं। अगर हमने पहले R1% का डिस्काउंट दिया और देन R2% का डिस्काउंट दिया तो हमारा नेट डिस्काउंट कितना होगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 डिवाइड बाई 100, अकीबा समझ में आ रहा है ना। नूर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये लिखना चाहिए R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 100, ये होना चाहिए था, इतने परसेंट का हमको डिस्काउंट देना होगा टोटल। चलिए बताइए इसको, ये क्वेश्चन बताइए, सोएब समझ में आ रहा है ना, नूर, अकीबा, आफरीन, जहीर, यासीन, तस्कीन, नदफ, सना, कासिम, आसिम, सरफराज, कबीर, सारे लोग बताइए, जमीर, फरा, सारे लोग समझ में आ रहा है ना, तौसीफ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर करिए, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करिए, तो कुछ क्वेश्चन और कराने हैं। ये कह रहा है, अ रिटेल स्टोर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन एवरी आर्टिकल परचेज, लेटर दे अनाउंस द एडिशनल डिस्काउंट ऑफ द 35% एवरी आर्टिकल परचेज, फाइंड द टोटल डिस्काउंट परचेज अवेल
बाय द कस्टमर, वो क्या हो जाएगा हमारा आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई 100, यही होगा ना, अभी निकाला है हमने, इतना परसेंट होगा ना, बोलिए जल्दी से, यही होगा ना। तो आर वन कितना हमारा 25%, आर टू कितना हमारा 35%, माइनस आर वन कितना है हमारा 25%, आर टू कितना है हमारा 35% डिवाइडेड बाई 100, इतना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60%, ये हुआ हमारा 60%, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 35, कितना हो जाएगा 25 इंटू 35, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, 12 आ गया, 25 3 जा कितना हुआ 75, 75 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 87, 87 होगा ना, नहीं प्लस 12 75 हाँ 87, तो 8.75 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस होता तो कितना आ जाता 52, और 0.75 और माइनस होगा तो ये हो जाएगा 11.25%, यानी ऑप्शन सी सही होगा ना, बोलिए जल्दी बोलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी रिस्पांस कीजिए, एक और इसमें केस बचता है उसको जल्दी से बता देते हैं, उसका फार्मूला ही बता देते हैं और उसको कर लीजिए आप। हाँ यहाँ माइनस ही लिख रहे हैं, यहाँ आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई 100, यही लिखा है ना हमने, ये देखिए ये लिखा है हमने आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन आर टू डिवाइड बाई 100, ये लिखा है ना, ये हमने बताया कि ये मिसप्रिंट है, इसको हमने बोला है ना, तो आप इसको क्लेम मत कीजिए, ये इंटू है आर वन इंटू आर टू, और यहाँ पर आर वन प्लस आर टू है, ये हमने लिख दिया था दोबारा, ठीक है। ऑप्शन सी सारे लोगों का आ रहा है, करेक्ट है। आफरीन आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन इंटू आर टू, ये इंटू आर टू है, डिवाइड बाई 100 होता है, इसमें कन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं, कितने का हमको डिस्काउंट मिलता है, आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई 100% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, ओके। अब ये देखिए, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमने जो है एक मान लो एक शॉपकीपर है, उसने 1000 ग्राम की जगह 930 ग्राम यूज़ किया, 1000 ग्राम की जगह 930 ग्राम यूज़ किया, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। अब ये सोचिए कि 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस पे उसने कुछ चीज़ खरीदा और उसने क्या किया, जैसे 1 kg ले आया या 1000 ग्राम कोई अमाउंट ले आया, वो ₹1 का ले आया, मतलब ये 1000 ग्राम जो लेके आया वो कितने का लेके आया, सॉरी 1000 ग्राम जो लेके आया वो लेके आया हमारा ₹1 का। अब उसने क्या किया है, ये 1000 ग्राम में से कुछ अमाउंट निकाल लिया, इसको 930 ग्राम बचाया, और आपको कहा कि ये 930 ग्राम को आपसे बोला कि ये 1 kg है, और इसको सेल कर दिया एक्स पर ही, उसने कहा देखिए आपको हम कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं, तो उसको क्या किया, उसने चीट किया, जिसकी वजह से उसको 70 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। तो ये 70 ग्राम का प्रॉफिट जो हुआ वो उसका प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर वेट को मिसयूज कर किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होता है, ठीक है, उसका फार्मूला ये होता है 1000 माइनस, अगर यहाँ पर 1000 ग्राम होता तो ये 1000 होगा, ठीक है 1000 कर लीजिए इसको, 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इतना परसेंट होता है, यानी कितने उसको कॉस्ट प्राइस पर अगर उसने सेल किया तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, 1000 ग्राम माइनस एक्स की वैल्यू जितना ग्राम पर वो बेच रहा है, जितना ग्राम वो बेच रहा है, अगर वो 930 है तो यहाँ 930 लिखेंगे, अगर वो 230 होता है तो 230 लिखते एक्स की जगह, डिवाइड बाई 100 इंटू 100, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, डिवाइड बाई एक्स इंटू 100, ये होता है डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, ये फार्मूला जो है ये होगा 1000, लिख लीजिए फिर से आप 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बताइए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है एक डिसऑनेस्ट डीलर सेल अ गुड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट यूज द वेट 930
फॉर अ केजी, एक केजी की जगह उसने कितने किया, 9:30 को किया, ठीक है। अब उसके में परसेंटेज गेन कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, 1000 - x / x 100, यही होगा। अब ये देखिए एक्स कितना है, एक्स उसने कितने लिया, 9:30, तो ये हो जाएगा 1000 - 9:30 / 9:30 * 100, तो ये हो जाएगा हमारा 70 / 9:30 * 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, समझ में आ रहा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन नहीं ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी आ जाएगा, 7 होल 49 बाई 93 ये आएगा। ओके अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से आप ये देखते हैं कि अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तब भी आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर ये समझ पा रहे हैं आप। देखिए वो 1000 ग्राम लेके आया, अब उसने 9:30 ग्राम अपने पास रखा और 70 ग्राम जो है अपने पास बचा लिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 70 ग्राम का हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 9:30 जब सेल कर रहा है, 9:30 सेल कर रहा है तो उसके पास 70 ग्राम बच जा रहा है, तो हमको एक्चुअली प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 70 ग्राम का, कितने पर, 9:30 पर * 100। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक्चुअली 1000 ग्राम की जगह उसने कितना यूज किया, 9:30, मींस उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 70 ग्राम का, कितने पर, जितना उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस पे ना, कितना सेल किया उसने, 9:30 सेल किया, उसको 9:30 सेल किया तो उसको 70 ग्राम मिल गया ना, तो 70 / 9:30 * 100। अच्छा 9:30 की जगह 1000 मत रखिएगा, 1000 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 1000 था, 1000 में से उसने 70 ग्राम कब बचा ले रहा है, जब 9:30 बेच रहा है, यानी 9:30 के बेचने पर उसको 70 ग्राम का प्रॉफिट हो जा रहा है ना, दोबारा 9:30 ग्राम बेचेगा फिर 70 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस होगा, जो कॉस्ट प्राइस होती है, वो क्या है हमारी, 9:30 है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 70 / 9:30 * 100 इतने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना, रिस्पॉन्स कीजिए, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाइए, बताइए क्या होगा, क्वेश्चन करके बताइए क्या होगा इसका। ये भी एक स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में 2013 में आया हुआ था। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि एक शॉपकीपर, यानी जितना हमने आज पढ़ लिया है उस पर अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक शॉपकीपर जो है आइटम को सेल करता है एक कितने पर, 111 पे। अब वो उसको ये क्या, इफ ही सेल वन ऑफ देम एट द प्रॉफिट ऑफ 10% और दूसरे को लॉस पे सेल करता है 10% के, तो इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, वो क्या होता है, x बाई 10 का होल स्क्वायर का लॉस होता है, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि हमारा लॉस कितने का होगा, -x/10 का होल स्क्वायर। x कितना है यहाँ पर, x सेम होना चाहिए, जो प्रॉफिट में हो रहा है वही लॉस में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -10/10 का होल स्क्वायर, हो जाएगा हमारा 1% का लॉस हो जाएगा, सही है ना। चलिए इसको बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, ये कह रहा है बाय सेलिंग ऑफ 25 चेयर अ शॉपकीपर रिकवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, बताइए जल्दी बताइए, ओके यहां पर इसको कितने का प्रॉफिट होगा, यानी यहां पर कह क्या रहा है कि 25 चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब यहां से आप एसपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 / 30 * कॉस्ट प्राइस, यानी 5 / 6 * कॉस्ट प्राइस, यही होगा ना, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया, ये कह रहा है बाय सेलिंग ऑफ 25 चेयर, यहाँ ये सेलिंग प्राइस है, 30 चेयर का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इतना होगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 25 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ये होगा। तो आप सेलिंग प्राइस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6/5 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा 6CP माइनस 5CP डिवाइडेड बाई 5CP इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, CP डिवाइडेड बाई 5CP इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा CP कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 डिवाइड बाई 5 यानी 20% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यही होगा ना, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, 20% का प्रॉफिट होगा ना, बोलिए 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 सारे लोग बोलिए, सारे रिस्पांस करिए, 20% का होगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम देख सकते थे, कैसे देखते, कि आप ये देखिए कि हम जब चेयर को सेल कर रहे हैं, 25 चेयर को हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का निकल आ रहा है, 30 चेयर का, यानी जब हम 25 चेयर, हमारे पास 30 चेयर थी, हमने 25 चेयर सेल कर दिया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस 30 की निकल आई, मीन्स जब हम 25 चेयर सेल कर देते हैं तो 5 चेयर हमारे पास फ्री हो जाती हैं, अब उसकी कॉस्ट प्राइस निकल चुकी है, अब उसको हम चाहे जो यूज़ करें, पर्सनल यूज़ करें या जो भी करें, वो कॉस्ट प्राइस निकल आई, यानी 25 चेयर को सेल करने पर हमको कितने का फ़ायदा हो जा रहा है, 5 चेयर का, यानी 25 पर 5 का चेयर का फ़ायदा हो रहा है। 25 का 5 कितना परसेंट होता है, 25 में कितने से डिवाइड करें 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, जब किसी क्वांटिटी में 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना परसेंट आता है, 20%, इसलिए हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, समझ आया ना सारे लोगों के, सारे लोग समझ में आया ना, इस टाइप ये एक एग्जांपल है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए इसको बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग ऑफ 5 यूनिट फॉर 11 रुपए अ मैन मेक प्रॉफिट 10%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इफ ही सेल 12 यूनिट फॉर 25.2 रुपीज, 25 कर लीजिए, पॉइंट ना लगाइए, 25 रुपीज में बेचता है, 25.2 ही कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिएगा 25.2। चलिए इसको निकालिए, अब ये देखिए 5 यूनिट को वो सेल करता है, 5 यूनिट को सेल करता है 11 पर, तो 1 यूनिट को कितने पर सेल करेगा वो, 11/5 पर, यानी 2. कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, ये 2.2 पर जब सेल कर रहा है तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। अब ये देखिए अगर कॉस्ट प्राइस हमारी x रही होगी तो x प्लस 10% ऑफ x, यानी 0.1x इज इक्वल टू 2.2, तो यानी हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू 2.2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस 2 रही होगी। अब ये क्या कर रहा है कि 12 यूनिट को 12.2 पर बेच रहा है, 25.2 पर बेच रहा है, तो अगर एक की कॉस्ट प्राइस 2 है तो 12 की कितनी होगी, 12x होगी, तो ये हो जाएगी 12 × 2, ये हो जाएगा 24 कॉस्ट प्राइस। अब 24 कॉस्ट प्राइस है और सेल कितने पर कर रहा है, 25.2 पर, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 25.2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, यही है ना, तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। अब ये देखिए अगर एक जीरो अंदर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, या ऊपर 120 हो जाएगा डिवाइड बाई 24, तो अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, 5% का प्रॉफिट। सारे लोगों का आया कि नहीं, सारे लोगों का आया कि नहीं, 1.2 आएगा, सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं, सारे लोगों को समझ में आया, समझ में आ रहा है ना सबको, 5% सबका आ गया ना, ठीक है 5% होगा। कैसे आया, देखिए हमने क्या किया कि एक यूनिट को वो 5 यूनिट कितने में बेच रहा था, 11 रुपए में, तो एक यूनिट कितने में बेचेगा, 11 बाई
टू में, 11/5 में, यानी वो कितने बेचेगा, 2.2 में। अब 2.2 में वो सेलिंग प्राइस अब 10% प्रॉफिट में मिल रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस x थी तो x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 2.2, यही कहेंगे x प्लस 10% ऑफ x यानी 1.1x इज इक्वल टू 2.2, ठीक है। तो यहाँ अब x यानी 1.1x इज इक्वल टू 2.2, x इज इक्वल टू 2, x यानी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, 2 कॉस्ट प्राइस इतनी आ गई। तो अब हमारी 1 की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2, तो 12 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 24, 24 कितनी हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी 12 की कितनी है, 12 यूनिट की कितनी है, 25.2, तो 25.2 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 24, 24 कॉस्ट प्राइस होगी ना 12 आर्टिकल की इंटू 100, तो ये हमने किया है, तो यहाँ से निकल के आया 5%। सबका आ रहा है ना, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। ये कह रहा है बाय सेलिंग ऑफ 10 बुक फॉर 2300 अ शॉपकीपर प्रॉफिट 15%, फाइंड द गेन और लॉस ऑफ परसेंटेज इफ द ही सेल 11 बुक फॉर 23%, 2300 में, ठीक है, जल्दी निकालिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 बुक कितने में बेच रहा है वो, 2300 में, तो 1 बुक कितने में बेचेगा, 230 में। अगर ये कर रहा है तो इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने, 15% का, यानी एक बुक की अगर कॉस्ट प्राइस x थी तो 15% ऑफ x कितना हो जाएगा, 0.15x इज इक्वल टू 230, यानी हो जाएगा 1.15x इज इक्वल टू 230, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 डिवाइडेड बाई 1.15, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1.15। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115 2 ज़ा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200। तो अब हमारी 11 बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 बुक की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 200, तो ये हमारी आ जाएगी 2200। अब हम सेल कितने पर कर रहे हैं, 2300 पर, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 2300 माइनस 2200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, 2200 इंटू 100, यही होगी ना, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 2200 इंटू 100, तो 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 22, या हम लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, 50 बाई 11, 11 फोर ज़ा 44, अब ये कितना बचा हमारा, 6 डिवाइड बाई 11, इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सही समझ में आया ना, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप जितना भी पढ़े हैं, कल जो पढ़ा आपने और जो आज पढ़ा है, इसको आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी, वरना आप अभी अभी समझ में आ रही हैं, आगे आप भूल जाएंगे। वो लोग जिनको लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो यूट्यूब की वीडियो में आप जाके वहाँ पर ऑप्शन होता है कि 0.75x कर सकते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम वहाँ पर, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।